हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि की जिंदगी के बारे में आप जितना भी बयान करें इतना कम है, इसलिए कि आपकी जिंदगी एक हमागीर जिंदगी थी। जिस पहलू से भी देखें आपकी जिंदगी, आपकी शख्सियत एक मुकम्मल शख्सियत नजर आती है। एक मुसव्विर को आपकी जिंदगी में वो तमाम रंग मिल जाता है कि जिससे एक मुकम्मल इंसान की तस्वीर बनानी हो। और सरकार का सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैही को दुनिया जहान वालों ने जो खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश किया है वो इस बात की दलील है कि आप अपने दौर के एक बेनजीर शख्सियत थे। हम पे एक फर्ज आयद होता है कि जितना ज्यादा हो सके हम सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि की जिंदगी का अच्छी तरह मुताला करें, इसलिए कि दौरे जदीद में आपके इकदामात और आपके फरामीन ने हमारी जिंदगियों में, हमारी जमात में, हमारी तंजीमों में एक इनकलाब बरपा किया है जिसे मुस्तकबिल की तारीख याद करेगी। जिस तरह आज हम माजी की तरफ नजर करते हैं तो फातिमियों के दौर को हम फख्र से याद करते हैं, इसी तरह मुस्तकबिल में आने वाली नस्लें हमारे दौर में सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह और मौलाना हाजर इमाम को, वो दौर जिन्हें हमने देखा है, मुस्तकबिल को हमने नहीं देखा, इस दौर को वो फख्र से याद करेंगे। इसलिए कि ये एक तारीख साज दौर है हमारे लिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों को सियासी मैदान में तरक्की देने के लिए सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह और आपके चंद रुफका की मेहनत से 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का कयाम अमल में आया और सरकार को उसका सदर मुंतखब किया गया। कुछ अरसे तक मौला उसका सदर रहे और ये वही सियासी पार्टी है कि जिसके जेर कयादत मुसलमाना ने हिंद को पाकिस्तान जैसे ममलकत खुदादाद अता हुई। सरकार की अनथक मेहनत और अनथक कोशिश थी। गो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सियासत के मैदान से बजायर उस वक्त हट गए जबकि हिंदुस्तान का दौर सियासी उरूज पे जा रहा था और मुसलमान अलायदगी की तहरीक को आगे से आगे बढ़ा रहे थे। सरकार उस वक्त बैन अल-अक़वामी काम में मौजूद थे, लेकिन मौला के इरशाद के मुताबिक अलीगढ़ न होता तो पाकिस्तान कभी नहीं बन सकता। अलीगढ़ के मैदान में और साथ साथ सियासी मैदान में, सियासी पार्टी के कयाम में और मुसलमानान हिंद की कयादत में सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह ने वो खिदमात अंजाम दी कि आज पाकिस्तान के शहरी फख्र से ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बानियों में एक सर आगा खान का नाम भी आता है। हम ऐस दुनिया जहान वालों की बातें ही नहीं करेंगे, हम उन बातों को कभी फरामोश नहीं कर सकते, बल्कि ये हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम देखें कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया है, इस्माइलियों के लिए क्या किया है। एक गैर मुनज्जम जमात को मौला ने मुनज्जम किया। जब इमाम हसन अली शाह मां बाप हिंदुस्तान तशरीफ लाए उससे पहले इस्माइली इतने मुनज्जम नहीं थे और तंजीम और आपस में मिलजुल कर किसी काम को आगे बढ़ाने का ख्याल चूंकि बजाहिर अपने दरमियान इमाम की गैर मौजूदगी की वजह से उन्हें नहीं आ रहा था। इमाम आका हसन अली शाह मां बाप के हिंदुस्तान आते ही आपने इस्माइलियों को दुनिया में फैलाना शुरू किया। सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह के पहले ही इस्माइली हिंदुस्तान से निकलना शुरू हो गए। सरकार ने उन्हें फरमाया कि सफर वसीलाए जफर है, अपने मुल्क से अपने इलाके से बाहर निकलो, दुनिया जहान में देखो, जहां तुम्हें अच्छी जगह मिले जाओ। खास तौर पे मौला ने अपने रूहानी बच्चों को अफ्रीका की तरफ रवाना फरमाया जिसमें सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह का कंट्रीब्यूशन, आपका हिस्सा बहुत ही ज्यादा है। आपके वो फरामीन आप देखें, इमाम ने सख्ती के साथ उन पर जोर दिया है कि निकल जाओ तुम यहां से,
जितनी बड़ी तादाद में निकल सको, काठियावाड़ से निकलो, कच्छ से निकलो। इमाम ने फरमाया अफ्रीका की तरफ जाओ। लोग खाली हाथ अपने घरों से निकले थे, खाली हाथ तही दामन निकले थे और जहाज में बैठ जाते थे, चलो अफ्रीका की सरजमीन पे जाके उतरे, न जान न पहचान, ये अफ्रीका की सरजमीन पे जाने वाले, इमाम के फरमान के मुताबिक जाने वाले, आज दुनिया के इस्माइलियों में लीडिंग पोजीशन रखते हैं। उन्हीं की नस्ल, उन्हीं की औलाद वहां आबाद हुई और उन्हीं की औलाद को सरकार मौलाना हाजर इमाम शाह करीम अल हुसैन सलवातुल्लाह अलैहि ने युगांडा में सियासी अदम इस्तेकाम के मौके पर वहां से निकालकर आज कनाडा में आबाद किया। काठियावाड़ से निकाल के कनाडा में आबाद करना बड़ा मुश्किल मसला होता, लेकिन तरक्की याफ्ता कौम को वहां आबाद करने में कोई मुश्किल बात पेश नहीं आई। लेकिन इमाम ने पहले ही से ये काम अंजाम दिया था कि जाओ, हम तजुर्बात में मानते हैं, हम अमल में मानते हैं, हम उस चीज में मानते हैं कि आज के जमाने में हमें जहां फायदा है फौरन वहां चले जाओ। एक डायनामिक इमाम की मौजूदगी में इस्माइली हमेशा एक डायनामिक कौम रही है। सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने में इस्माइली अपने इलाके से निकलकर दूर दराज इलाकों में फैलने लगे। इमाम ने देख लिया था कि इस्माइलियों को ऊपर लाने के लिए सबसे पहले इनकी माली हालत अच्छी करने की जरूरत है। और मौला ने अपनी जिंदगी में देखा, इमाम हसन अली शाह माँ बाप वजीर इस्माइल भाई गांगजी के साथ कहते हैं, जाते हुए एक मर्तबा रास्ते में कुछ औरतों को देखा, सरकार पूछते हैं इस्माइल ये कौन है, कहता है खुदाविंद हमारे इस्माइली है, इस्माइली औरतें हैं, इनके सर पे क्या है, सरकार गोबर के टोकरे हैं। काठियावाड़ में, राजकोट में, इमाम ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, इनके सर पे अब गोबर के टोकरे नहीं होने चाहिए, सोने हीरे और जवाहरात के ताज होने चाहिए इनके सरों पे। और वो हुआ, न सिर्फ अपने सरों पे उन हीरे और जवाहरात के ताज रखे, 50 साल 60 साल के अंदर दुनिया ने देखा कि इस्माइलियों ने अपने इमाम को पहले सोने में वजन किया, फिर हीरे में वजन किया, फिर प्लेटिनम में वजन किया, और अदना सी कोशिश की अपने जमाने के इमाम की मेहरबानियों की जवाब में कुछ मामूली सा खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करने की। इमाम ने अपनी मेहरबानी से, अपनी हिदायत से दुनियावी मैदान में इस्माइलियों को आगे बढ़ाया, तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में, कि इस्माइली कभी किसी मैदान में दुखी नहीं होना चाहिए। सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह कामयाबी के राज के बारे में 3 बातें बताते थे जो इंसान के वजूद में है, तंदुरुस्त जिस्म, तंदुरुस्त रूह और तंदुरुस्त अकल। सेहत अच्छी हो, रूह में सेहत हो और इंसान के जहन में ताजगी हो। और इसके लिए मौला फरमाते हैं जिस्मानी सेहत के लिए वर्जिश करो, अच्छी गिजा खाओ, अच्छे माहौल में रहो। चुनाचे वर्जिश पे, खेल कूद में आपने जोर दिया, सेहत की भलाई के लिए, इंसान की सेहत अच्छी रखने के लिए, खासतौर पर रूहानी बच्चों के लिए आपने हत्तल इम्कान कोशिश की कि शफा खाने कायम किए जाए, इस्माइलियों में बीमारी कम हो। एक तरफ आप फरामीन फरमाते रहे कि इन फरामीन पे अमल करो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, दूसरी तरफ बीमारी के इलाज करने के लिए आपने शफा खाने कायम करने शुरू किए, रूह की बुलंदी के लिए आपने रूहानी फरामीन फरमाए। और सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह के रूहानी फरामीन उठा के देख लीजिए, एक नूरानी सल्तनत नजर आती है हमें, कितने आला पाए के रूहानी फरामीन है, अर्श अजीम तक पहुंचा दिया है अपने बातिनी और बैतुल ख्याल के फरामीन में। और साथ साथ अकल के लिए, जहन की तरक्की के लिए आपने फरमाया मुताला करो, तालीम तालीम और तालीम, मुसलमानों के लिए तालीम तो इस्माइलियों के लिए भी तालीम, सबके लिए तालीम पे मौला ने जोर दिया। मर्दों के मुकाबले में खवातीन की तालीम ज्यादा होनी चाहिए। इमाम ने फरमाया कोई भी बेकार न बैठा रहे, चुनाचे आपने एक बैलेंस के साथ कौम को ऊपर ले आए, एक सेहतमंद कम्युनिटी ऊपर आई जिनकी सेहत भी अच्छी है, जो रूहानी तौर पर भी काफी साउंड है और अकल के मैदान में भी बहुत आगे से आगे निकलने लगे। वो कौम जिसके बारे में कभी किसी को पता भी नहीं था कि ये खोजे क्या चीज होती है, उन्होंने 50 साल में अपने जमाने के इमाम के नाम को दुनिया के गोशे गोशे में रोशन कर दिया।
ये इमामी का जमाना था। 1905 में सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह नैरोबी में फरमान फरमाते हैं, तवील फरमान फरमाया जमात के आगे, देखिए मौला को कितना दर्द था अपने रूहानी बच्चों के लिए। सरकार फरमाते हैं फरमान के बाद के, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरह कोई किसी को रिक्वेस्ट करता हूं। 1905 नैरोबी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरा एक काम करोगे? तुम अफ्रीका में आकर आबाद हुए हो, तुम्हारी हालत अच्छी हो रही है, लेकिन तुम्हारे दीन भाइयों की हालत काठियावाड़ में, कच्छ में बहुत खराब है, उनपे दुनियावी तौर पे बहुत तकलीफ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों पे कर्बला के मैदान में आखिरी दिनों में जो मुसीबतें पड़ी थी, वो मेरे इन रूहानी बच्चों पे रोजाना पड़ती है। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि मैं चाहता हूं अपने उन रूहानी बच्चों को तुम्हारी तरफ भेजूं, तुम उनका साथ दोगे, तुम उनको अपने पास आबाद करोगे, अपने पास जगह दोगे, तुम उन्हें जमीन लेकर खेतीबाड़ी के काम सिखाओ, पैसे मत देना उनको, लेकिन उन्हें काम पे लगाओ, ये तुम्हारी बहुत बड़ी खिदमत होगी। मौला फरमाते अगर तुमने ऐसा किया, मैं तुम्हारे गुनाह माफ करूं, मैं तुम्हारे दसों कबूल करूंगा, लेकिन मैं अपने रूहानी बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहता। सरकार फरमाते हैं मैं अपने रूहानी बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहता। कितना काम किया आपने, माली तौर पर माली इमदाद दी, लेकिन एक पुरवकार कौम को आप वजूद में ले आए, ऐसी तंजीम बनाए, काउंसिलें, स्कूल और खिदमात के इदारे, जमात को ऐसा मुनज्जम किया कि महात्मा गांधी जी भी एक दफा सरकार से ये कहने लगे कि आगा खान साहब, आपने तो रियासत के अंदर एक रियासत बना ली है अपनी, हिंदुस्तान के हिंदू या मुसलमान अपना स्वतंत्र राज हासिल करने के लिए आज जिद्दोजहद करते हैं, लेकिन आपने तो आजादी हासिल कर ली है, आपकी जमात किसी के गुलाम नहीं, आपके फैसले आप अपनी जमात में करते हैं, आपका अपना कोर्ट है, आपकी अपनी काउंसिल है, आपके लोग कभी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते, आपने तो हुकूमत के अंदर अपनी आजाद हुकूमत बना ली। लोगों ने देखा कि इमाम ने किस तरह जमात को मुनज्जम किया और उसके तुफैल से जमात एक दफा फिर से लाइन पर आई। सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने ख्वातीन के हुकूक पे बहुत जोर दिया। इस इलाके में इस्माइली थे जिन्होंने सबसे पहले इमाम के फरमान के मुताबिक अपने ख्वातीन को पर्दों से बाहर निकाला। इमाम फरमाते जुल्म है ये कि तुम अपने खवातीन को, अपने बहु बेटियों को भेड़ बकरियों की तरह और नबातात की तरह अपने घरों में पर्दे के पीछे बंद करके रखते हो। एक मुल्क अपनी आधी जमात को, अपने आवाम के आधे हिस्से को बेकार करके रख देते हैं। मौला फरमाते हम कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो मैदान में निकलो और इनसे काम लो, ये तुम्हारे मुल्क को, तुम्हारी जमात को तरक्की देने में बहुत मददगार साबित होंगे। और आज हम देखते हैं हमारी जमात में इस्माइली ख्वातीन मर्दों के शाना बशाना, दोष बदोल, रोशन जहन के साथ काम करते हैं और फखर है, और दुनिया वाले फखर से देखते हैं कि इस्माइली ख्वातीन कितने आगे हैं। ये मौला की करम नवाजिश और मेहरबानियां है। सरकार ने पाकिस्तान बनने के बाद हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा दिया था कि जिसकी सदाकत का आज हमें एहसास हुआ, खास तौर पे 70-71 में हमें इसका एहसास ज्यादा हुआ था, सरकार ने फरमाया था कि इस नए मुल्क पाकिस्तान की जबान अरबी होनी चाहिए। कितनी दूर अंदेशी से मौला ने इरशाद फरमाया था कि इस मुल्क में जहां सब मुसलमान आबाद है, अगर तुम इस्लाम के माजी की अहिया चाहते हो तो वो जबान अपनाओ जो जिस जबान में खुदा ने तुम्हारे रसूल से कलाम किया है, जिस जबान में खुदा ने तुम्हें अपना कलाम दिया है, जो रसूल अरबी की जबान थी, तुम उस जबान को अपनाओ, तुम इस्लाम की रूह को और इस्लाम की हकीकत को समझ सकोगे। बाद में जब जबान के मसले पर पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा तो हमें यह ख्याल आया कि अगर एक जबान होती पाकिस्तान की तो शायद हमारे पास सियासी इस्तेकाम इस वक्त के मुकाबले में काफी ज्यादा अच्छा होता। और अब हमें होश आया है कि हम बहुत ज्यादा अरबी के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस्माइलियों से बहरहाल जो शिकायत है वो तो रहेगी कि इस्माइलियों ने भी अपने इमाम के इस इरशाद और फरमान की कोई कदर नहीं की, और ताज्जुब की बात है कि अब भी नहीं कर रहे।
इस वक्त भी हमें अरबी के मैदान में जो काम करने की जरूरत है वो तसल्ली बख्श तौर पे नहीं की जा रही है। सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह ने हमारी तारीख में तवील तरीन दौर इमामत गुजारा, 72 साल। चुनाचे जब आपने 50 साल इमामत मुकम्मल की तो हिंदुस्तान और अफ्रीका की जमात ने आपको सोने में तोला, आपकी गोल्डन जुबली हुई, आपकी 60 साल की इमामत में आपकी डायमंड जुबली हुई और 70 साल इमामत के मौके पर प्लेटिनम जुबली हुई, और एक मकाम पे नहीं कई मकामात पर हुए और करोड़ों रुपए जमा हुए। जिन लोगों को आज ये एतराज है जमाने के इमाम पर कि इमाम हमसे पैसे लेता है, जरा तारीख उठाकर देखे, इमाम ने हीरे जवाहरात सोने और प्लेटिनम में से कितना लेके अपने जेब में डाला है। एक एक पाई मौला ने जमात को लौटा दी है, और आज जो ये हमें हंसते खिलते मुस्कुराते चेहरे नजर आते हैं, आज जो हमें बड़े बड़े सनतकार इंडस्ट्रियलिस्ट नजर आते हैं, उनसे पूछिए कि सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह के इन इमदाद से जो इदारे कायम हुए उनसे उन्हें कितनी इमदाद मिली है और आज जमात कितनी ऊपर आई है। इमाम ने फरमाया हम अपनी जुबली मना के दुनिया में अपनी बड़ाई नहीं दिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं रूहानी बच्चों की भलाई हो, फंड जमा हुआ है, रूहानी बच्चों को कर्ज मिले, बिजनेस के मैदान में आगे बढ़े ताकि हमारी कम्युनिटी हमारी जमात दुनिया में लीडिंग पोजीशन हासिल करे। सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि 11 जुलाई 1957 को तवील तरीन दौरे इमामत गुजार कर इस दारे फानी से कुछ कर गए और अपने पोते शाह करीम अल हुसैनी सलवातुल्लाह अलैहि को इमामत सौंप गए इस फरमान के साथ कि एटमी दौर है, जदीद दौर है और इसमें एक नौजवान इमाम की जरूरत है, एक ऐसे इमाम की जो अपने दादा के हाथ में पला था और जिसे अपने दादा जान से बहुत मोहब्बत थी। कहते हैं सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह के आखिरी वक्त में जब आपके आखिरी चंद घड़ियां थी, उस वक्त के जो हालात बयान किए गए हैं, कहते हैं कि मौला के कमरे में टेप रिकॉर्डर में कुरान हकीम की आयत में बज रही थी और कुरान हकीम की आयत ही सुनते सुनते सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपना आखिरी दम खत्म किया। ये बेहतर होगा कि मैं मौलाना हाजर इमाम ही के अल्फाज में सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह को खराज तहसीन पेश करूं जो सरकार ने अपने अल्फाज में अपने दादा जान को याद किया है। चंद फरामीन है जो मैं आपके आगे पढ़ता हूँ। 13 जुलाई 1957 का फरमान है जो तख्त नशीनी पहले तख्त नशीनी के साथ साथ सरकार ने विला बरकत में फरमाया था कि हमारे दादा जान ने अपनी जिंदगी के आखिर तक अपने रूहानी बच्चों की भलाई के लिए काम किया था, हम भी अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ करते हैं। लंदन में 26 जुलाई 1957 को फरमाया कि तुमने एक बेहतरीन इमाम को गंवाया है और हमने एक ऐसे दादा जान को गंवाया जो दुनिया में दूसरे सबके दादा की निस्बत ज्यादा मोहब्बत से हमें चाहते थे। कराची में आपने 4 अगस्त 1957 को फरमाया कि जैसा कि हम तुमसे मुखातिब हैं, हम तुम्हारे सबका इमाम की याद में एहतराम पेश करते हैं। जो ही हम उनका ख्याल करते हैं उनकी बहुत सी यादें हमारे जहन में उभर आती हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में ही हमारी जमात के लिए इतना कुछ हासिल कर लिया जो कि आम तौर पर हासिल करने में कई नस्लों का जमाना लग जाता है। दुनिया भर ने जो खराज अकीदत पेश किए हैं वो उनकी अजीम जिंदगी और काम की सच्ची शहादत हैं। तुम सब जानते हो कि हमारे दादा जान पाकिस्तान के बानियों में से एक थे। उन्होंने उनके रुफका और साथियों ने इस अजीम मुल्क को कायम करने में हत्तल मकदूर जिद्दोजहद की। वो पाकिस्तान के मुकद्दर में गहरा यकीन रखते थे और वही नजरियात और वही यकीन हमारा है। जैसा कि तुम सब जानते हो कि हमारे प्यारे दादा जान इसका जन्म इस मुल्क में हुआ था, इसलिए ये मुल्क हमारे दिल में है। ये मौलाना हाजर इमाम के फरामीन जो आपने अपने दादा जान के लिए फरमाया। मौलाना हाजर इमाम ने अपने बचपन इब्तदाई जिंदगी दूसरी आलमी जंग होने की वजह से नैरोबी में गुजारे और 7 साल की उम्र में 1943 में आपने वहां ईद की नमाज भी पढ़ाई, इब्तदाई तालीम भी आपने हासिल की और इमामत हासिल होने के बाद भी
منصب امامت پہ آنے کے بعد بھی چند سال آپ نے اپنی تعلیم جاری رکھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور یونیورسٹی میں آپ انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے، اپنے پاس گاڑی بھی نہیں رکھتے تھے، اور یونیورسٹی آپ اکثر پیدل یا بسوں میں جایا کرتے تھے۔ جیسا کہ فرمان میں پڑ گیا کہ مولا نے اپنی زندگی اپنے روحانی بچوں کے لیے وقف کی، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا حاضر امام نے اپنے دادا جان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اور آج کی زمانے کے مطابق اپنی قوم کی اور جماعت کی رہنمائی کرنے کے لیے آپ نے کتنا کام کیا۔ جو تاریخی واقعات پیش آئے ان میں سے ایک یہ کہ آپ نے 1960 میں پہلی مرتبہ ہنزہ تشریف لے گئے، جو تاریخ میں پہلے امام ہے جو اس علاقے میں تشریف لے گئے، اور گزشتہ دورے میں آپ چترال کے علاقے میں بھی تشریف لے گئے، یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے۔ 1977 کے دسمبر مہینے میں مولا نے ایک تاریخی اقدام کا اعلان کیا، جس کا تعلق آپ نے 25 نومبر کو دنیا بھر کے تمام ملکوں کو بھیجا، اس لیے کہ یوم امامت امام کی سالگرہ اس وقت ہم نے محرم کی وجہ سے 3 روز پہلے منائی تھی، جس میں مولا نے فرمایا تھا جماعت کو آگاہ کرتے ہوئے کہ لندن میں آپ نے انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں فاطمی تاریخ کے بعد، فاطمی دور کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ہم اسماعیلیوں کے پاس ہمارا اپنا ادارہ، علم ادارہ بن رہا ہے، جہاں ہمارے علماء، ہمارے اسکالرز، ہمارے ہی لوگ بیٹھ کر اسماعیلی علوم پر اور اسلامی علوم پر ریسرچ کریں گے۔ مولا نے تاریخی حوالہ دیا ہے فاطمی دور سے، اور مولا فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں آنے والی ہماری جماعتیں آج کے دن کو انتہائی فخر سے یاد کریں گی۔ جس دن کے انسٹیٹیوٹ اسماعیلی اسٹڈیز وجود میں آئی لندن میں، مولا فرماتے ہیں یہ ایک تاریخی دن ہے، اس لیے کہ اسماعیلی ہمیشہ علم پرور رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ علم کے لیے کام کیا ہے۔ چنانچہ امام کو جو ہی موقع ملا، آپ نے علم کے لیے اپنا کردار ادا کرنے اور اپنا حصہ ادا کرنے کا کام شروع کیا۔ مولا فرماتے تھے کہ اس کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی، ایک ایسا ادارہ ہو جو اعلی معیار میں رہتے ہوئے اسماعیلی علوم کی ترویج کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تاریخی واقعہ جو ہمارے ہی اس تاریخی شہر کراچی میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور تاریخ ساز عمارت آغا خان ہسپتال جو تقریباً 125 کروڑ روپے کے خرچ سے تعمیر ہو رہی ہے، جس کے ساتھ مولانا حاضر امام کی بہت سی امیدیں وابستہ ہے۔ یاد رکھیے اسماعیلی جہاں بھی گئے ہیں، بھلے انہوں نے جگہ چھوڑ دی، لیکن اپنی نشانیاں ایسی چھوڑی کہ رہتی دنیا یاد کرتی ہے۔ 1000 سال کے بعد آج بھی مصر میں جامع ازہر کو لوگ اسماعیلیوں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سابق مشرق پاکستان سے، بنگلہ دیش سے اسماعیلیوں کی اکثریت نکل گئی، لیکن جو لوگ چٹاگونگ گئے ہیں، جو میمن سنگھ گئے ہیں، وہ وہاں کی جماعت خانے کو دیکھ کر آپ اپنے دل میں خود کہتے ہوں گے کہ واہ واہ کیا نشانیاں اسماعیلیوں نے چھوڑی۔ آج بھی وہاں لوگوں نے اگر اسماعیلیوں کے جماعت خانے کو دیکھا ہوگا تو دیکھتے ہوئے یہ کہتے ہوں گے کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی یہاں خدمت، جنہوں نے اپنی عبادت گاہ کو کتنی خوبصورت بنائی ہے۔ آج مولا ایک ایسے اسپتال کی بنیاد رکھ رہے ہیں جس کے لیے مولا چاہتے ہیں کہ دنیا کا بہترین معیار ہمارے سامنے ہو۔ حاضر امام کی ایک ہی خواہش ہے، سٹینڈرڈ، معیار، ایک معیاری کمیونٹی کا ہر کام معیاری ہونا چاہیے۔ ایک طرف مسلمانوں کی اور اپنی جماعت کی، بنی نوع انسان کی صحت کے لیے، بنی نو انسان کی بھلائی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اس کی طرز تعمیر اسلامی ہونی چاہیے۔ ہم مغرب کی تقلید نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم کرائے سے کسی کی چیز نہیں لانا چاہتے، ہم اپنی روایت، ہم اپنے سنسکار، ہم اپنی تاریخ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہماری عمارتیں، مسلمان ملکوں کی عمارتوں کی تعمیر اسلامی ڈھب کی ہونی چاہیے کہ کہیں سے بھی کوئی دیکھے تو کہے ہاں مسلمانوں کی عمارت، مسلمانوں نے بنایا ہے۔ چنانچہ حضر امام نے 1976 کے دورہ پاکستان کے موقع پر، جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے آواز میں سنا ہے، ایک انعام کا اعلان فرمایا کہ 1980 سے آغاز کرتے ہوئے ہر تیسرے سال دنیا کے ایسے معمار کو، آرکیٹیکٹ کو،
जिसने एक ऐसी इमारत मुकम्मल की हो कि जिसने इस्लामी फन तामीर के तमाम खूबियों को अपने अंदर समोया हो। इमाम ने एक बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पे देने का ऐलान किया। और ये भी तारीख इस्लाम में पहली शख्सियत है मौलाना हाजर इमाम की जिन्होंने इस्लामी फन तामीर की तरफ तवज्जो दी कि तुम्हारी इमारतें मगरिब की तकलीद करते हुए नहीं बल्कि इस्लामी ढब की बननी चाहिए। सरकार मौलाना हाजर इमाम शाह करीम अल हुसैनी 1976 के दौरा पाकिस्तान के मौके पर कराची में जब आपको बैन अल-अक़वामी सीरत कांग्रेस के कराची के सेशन की सदारत दी गई उस वक्त भी आपने दुनिया जहान के उलमा के सामने सवाल रखा कि मुसलमानों के लिए इस्लामी मुआशरे के लिए इस्लामी तर्ज जिंदगी के लिए तुम्हारे पास क्या है। तुम देख रहे हो कि बैरूनी सकाफत मुसलमानों पर हमला आवर हो रही है, तुम अपने इस्लामी समाज को अपने इस्लामी तरीके की हिफाजत के लिए उसे बचाने के लिए तुम क्या कर रहे हो। मौलाना हाजर इमाम अपने दौर में आज इस्लाम के लिए बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं और सरकार अपने रूहानी बच्चों को भी एक ही फरमान फरमाते हैं हमेशा कि तुम इस्लामी जज्बाए भाईचारा और इस्लामी जज्बे से अपनी जिंदगी गुजारो। सरकार आका सुल्तान मौलाना हाजर इमाम के दौर के चंद अहम वाकयात में दुनिया के तीन इलाकों से इस्माइलियों का इनखलाबी शामिल है, पहले बर्मा में, साबिक मशरकी पाकिस्तान में और उसके बाद युगंडा में। यह कोई बच्चे का खेल नहीं है कि हजारों की तादाद में एक जमात को इतने आराम से और इत्मीनान से निकालना कि आगे जाकर उन्हें कोई तकलीफ न हो। इस्माइलियों का तरीका रहा है जमाने के इमाम की हिदायत में रहते हुए कि जहां तुम्हारा मजहब सलामत है और इज्जत आबरू सलामत है वो हमारी अपनी जगह है। चुनांचे इस सिलसिले में सरकार ने बड़ी मेहनत की और इस्माइलियों को उन इलाकों से निकालकर और इतनी अच्छी तरह मुनासिब जगहों में आबाद किया। आज आपको दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में इस्माइली नजर आते हैं। सरकार की जिंदगी में दुनिया के गोशे गोशे में इस्माइली फैलने लगे और अभी अभी कनाडा में हमारे इस्माइली जाके बसे हैं। और हाजर इमाम के फरमान तो आप पढ़ें, मौला फरमाते हैं कनाडा के इस्माइलियों को दुनिया में लीडिंग मकाम हासिल करना है और न सिर्फ अपने इलाके में बल्कि दुनिया के दूसरे इलाकों में जाकर भी अपने दूसरे इस्माइलियों के लिए काम करना है। ये इमाम की दूरंदेशी है और इमाम की दूरबीनी है, इमाम की निगाह देखती है कि कहां लोगों में कौन सी खासियत और कौन सी खसूसियत है कि जिसके तहत इस्माइली दूसरे इलाकों के इस्माइलियों की इमदाद कर सकते हैं। आज 1979 और अगस्त महीने की 30 तारीख है, चंद रोज के बाद आपको मालूम है सरकार मौलाना हाजर इमाम इंग्लैंड का अपना दौरा शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह यहां भी हिदायत की भरमार होगी अपने रूहानी बच्चों के लिए। और हम तो सिवाय खुशियां मनाने और अपने जज्बात में गर्मी पैदा करने के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। सरकार की हिदायत है और सरकार के फरामीन है। आज वो जमाना है, पहले जमाने में इमाम जहां होते थे वहां इमाम के पास क्या होता है दूसरे इलाकों के लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन आजकल दुनिया के एक इलाके में अगर इस्माइली खुशियां मनाते हैं तो ढोल दूसरे इलाके में बजता है। आपको मालूम है कि मौलाना हाजर इमाम लंदन में आ रहे थे और बैंड कराची में बज रही। इसका मतलब यह कि इमाम ने अपने आप को जमात से इतना करीब कर दिया है कि इमाम न सिर्फ रूहानी तौर पे बल्कि यूं एहसास होता है कि जिस्मानी तौर पर भी इमाम हमसे बहुत करीब हो गए। मौला की एक एक हिदायत, मौला का एक एक फरमान दुनिया भर के इस्माइलियों में गोशे गोशे में फैल जाता है। हम अपने दुनिया भर के तमाम इस्माइलियों के लिए जहां मौला तशरीफ ले जाते हैं नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। मौलाना हाजर इमाम की जिंदगी में हमें बहुत हिदायत मिली है और हमारी दिली ख्वाहिश है कि जिस तरह हमने आपके दादा जान की बहुत सी जुबलियां देखी इस तरह हम सरकार मौलाना हाजर इमाम की भी बहुत सी जुबलियां देखी। जिंदारो मुख्तसरन ये थी हमारी कहानी तारीख की जबानी। सिर्फ तारीख सुन लेने या तारीख के वाकयात बयान कर लेना काफी नहीं है। दो मिनट के लिए जरा गौर करें कि हमारी तारीख हमें सबक क्या देती है।
क्या हमने अखबार पढ़ा 10 दिन तक? नहीं। ये एक ऐसी धारा है, एक नदी की तरह है कि जो आगे बढ़ जाए लेकिन उसका सिलसिला अपने माजी से जहां से वो शुरू हुई है उसमें बाकी रहता है। हमें हमारी तारीख चंद सबक देती, जिसमें पहला ये कि याद रखो, दुनिया कितना भी बुरा चाहे, नूर हक और शम इलाही को कोई नहीं बुझा सकता। हमारी तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है कि लोगों ने जमाने के इमाम के नूर को बुझाने के लिए हर तरह से कोशिश की, अपने तमाम हथियार इस्तेमाल किए, सैफ भी इस्तेमाल किए और कलम भी इस्तेमाल की और जबान भी इस्तेमाल की, लेकिन आज वो आफताब आलमताब हम देख रहे हैं कि दुनिया जहान वालों को रोशनी दे रहा है। एक और सबक हमारी तारीख हमें दे रही है कि कभी भी इमाम जमान की शख्सियत के बारे में अपनी अकल से कोई फैसला करने की कोशिश नहीं करना। आपने तारीख में देखा, कुछ दाइयों का मैंने बयान किया कि बड़े बड़े दाई भी गुमराह हो गए। इमाम ने हर जमाने में मुस्तनद बातें जमातों तक पहुंचाने का आला इंतजाम किया। दौरे 70 में इमाम का पता नहीं होता था, लेकिन दावत के जरिया, दाइयों के जरिया लोगों तक इमाम के मुस्तनद फरामीन और हिदायत पहुंचती थी, और ये तरीका हमेशा जारी रहा है। लोगों ने इमाम को समझने के बारे में जहां भी गुलू से काम लिया, अपने हद से बढ़ गए, ये समझते हुए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम अपने इमाम को बहुत कुछ समझ रहे हैं, इमाम ने उनको गुमराह करार दिया है और जमात से इमाम ने उनको खारिज किया है। हमारे जमाने में आज भी हमारी तारीख हमें बताती है जिस तरह हमारे पास मुस्तनद जराए मौजूद है, वो मुस्तनद तरीका मौजूद है कि जमात के पास इमाम के फरामीन एक खास जरिए से आते हैं। इमाम ने तंजीम कायम की है, हमारा दौर इस्माइली आलम में, इस्माइली तारीख में एक मुनफरिद दौर है कि ऑनररी खिदमत करने वालों की इतनी भरमार हुई है, इतनी खूबसूरत हमारी तंजीम बनी है जो माजी में कभी नहीं बनी। आप जरा नजर तो दौड़ाएं कि इमामत की बरकात में रहते हुए खिदमतगारों ने कितना काम किया है। लेकिन याद रखिए, मौला का फरमान है, हमारे इदारे जिन्हें मौला ने मुकर्रर किया है उसका पूरा पूरा एहतराम होना चाहिए, उसकी पूरी पूरी इज्जत होनी चाहिए। इमाम जमान की हैसियत के बारे में, दावत के बारे में, प्रीचिंग के बारे में जो हिदायत मौला के मुस्तनद इदारे, जो आज इस्माइलिया एसोसिएशन है, वहां से जो हिदायत हमें मिलती है वो वैलिड है, वो मुस्तनद है, न कि हम दूसरे अशखास की तरफ इसके लिए मुतवज्जा हों, हम अपने जहन से कुछ बना लें और कहें भाई हाँ इदारे तो ऐसी बातें करते हैं, इदारे तो वैसी बातें करते हैं। याद रखिए, इमाम इदारे के सिवा कभी बात नहीं करते हैं। आपके जमात में, हमारे जमात में फरामीन इदारे से आते हैं, काउंसिल हमें मौला के इरशादात देते हैं, हमारी काउंसिलें हमें इमाम की मर्जी, इमाम की हिदायत और इमाम की मंशा से आगाह करती है। कोई शख्स ये कहे कि मैं अपनी मर्जी से कोई हिदायत हासिल कर लूं, वो गलत रास्ते पर जाए। और अगर कोई इमाम के बनाए हुए इन इदारों की इज्जत और एहतराम नहीं करता तो वो इमाम का एहतराम नहीं करते, वो इमाम की इज्जत नहीं करते। ये तारीख का दर्स है। जिन्होंने भी इमाम के बनाए हुए तरीके में, आपने कई मर्तबा देखा इमाम ने किसी को दाई बनाया, कोई दूसरा दाई जाता है कि दावत का मेरा हक है, इमाम ने फरमाया जाओ रास्ता उधर है तुम्हारे लिए। इमाम की अपनी मर्जी है, हाँ दावत की कितनी भी चोटी पे कोई पहुंचा हुआ हो या एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई कितना भी आगे बढ़ा हुआ हो, हमेशा इमाम की तरफ नजर करना चाहिए। और इमाम ने जो तरीका हमारे लिए मुकर्रर किया है, खास तौर पे हमारे तंजीम में, हमारी जमातों में, हमारे इदारों की, हमारे लीडरों की, उन लीडरों को जिन्होंने हाजिर इमाम ने जिनको मुकर्रर किया है, उनका पूरा पूरा एहतराम और उनकी पूरी पूरी इज्जत और उनकी पूरी पूरी ताबेदारी, ये सरकार मौलाना हाजिर इमाम का फरमान है। और इसमें अगर हमसे कहीं कोताही हुई तो जिस तरह माजी में हमें बहुत दफा नुकसान उठाना पड़ा है, इस तरह मुमकिन है कि मुस्तकबिल में भी हम कोई नुकसान उठाए, खुदा न करे। जब हम अपनी तारीख का मुताला करें या किया हो या
करते हैं, तो इन सबकों को, इन असबाक को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे तारीख बहुत रोशन है, बहुत शानदार है, लेकिन पूरा बयान करना किसी के बस की भी बात नहीं है, इंसाफ करना तो बड़ी दूर की बात है। जो कुछ मेरे बस में था मैंने आपके सामने पेश की। जाते जाते मैं अपने चंद दोस्तों, अपने चंद साथियों और चंद उस्तादों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अगर मैंने ऐसा न किया तो न हक के शागिर्दी अदा होगी और दूसरी बात की बड़ी नाइंसाफी होगी, इसलिए कि ये खुदगर्जी की बात होगी कि मैं इसी तरह यहां से उठ के चला जाऊं। इस लेक्चर की तैयारी के सिलसिले में बहुत से लोगों ने मेरी मदद की है, जिनमें सबसे पहले इस्माइलिया एसोसिएशन बराए पाकिस्तान के सदर इत्मादी कासम अली मोहम्मद जाफर, उन्होंने इस लेक्चर के पहले मुझे अच्छी तरह ब्रीफ किया, मेरी रहनुमाई की कि किस तरह इस सिलसिले को आगे से आगे बढ़ाया जाए, और दिलचस्पी भी लेते रहे जब तक आप यहाँ मौजूद थे। इस वक्त आप लंदन में हैं, वरना आप यहाँ जरूर मौजूद होते। अपनी मौजूदगी के दौरान उन्होंने बाकायदा इसमें दिलचस्पी ली, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्माइल एसोसिएशन के ऑनरी सेक्रेटरी जनाब निजार सोलेदीन साहब, इस लेक्चर की तैयारी के सिलसिले में मुझे पूरा पूरा वक्त मिले, इसके लिए दूसरी बहुत सारी ड्यूटियों से उन्होंने मुझे आजाद रखा, जिम्मेदारियां मुझ पे बहुत कम कर दी गई ताकि मुझे पूरा पूरा वक्त मिला कि मैं इसकी तैयारी कर सकूं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दो उस्ताद अलवाइज अलीजा हाशिम मोलेदीना, अलवाइज मोहम्मद बच्चल, जिन्होंने मवाद की फराहमी के सिलसिले में मेरी मदद की, और तीन खास शख्सियतें अलीजा ने, मिस जवाहिर नूर अली, शेख मोहम्मद इकबाल और अलीजा शेख दीदार अली, जिन्हें इस्माइली तारीख में और इस्लामी तारीख में बहुत दस्तरस हासिल है, बहुत उबूर हासिल है। जब ये बात मेरे सामने पेश हुई कि तारीख पे मुझे लेक्चर करना है, और ये आज की बात नहीं है, एक राज की बात है कि तकरीबन 1.5 साल से ये बात हो रही थी कि तारीख पे लेक्चर करना है। उस वक्त मैं बड़ा खाइफ सा था, मुझे खौफ था कि तारीख के 1400 साल का लंबा पुल उबूर करना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन ये मेरे इन उस्तादों की मदद है, ये मेरे इन शफीक असातजा की मेहरबानियां हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपने मवाद, तारीखी मवाद फराहम करने के सिलसिले में मेरी मदद की, बल्कि हर घड़ी मेरी इमदाद भी की। और अलीजा शेख दीदार अली साहब ने तो खास तौर पर इन लेक्चरों में शिरकत करके हर रोज लेक्चर से पहले, लेक्चर के बाद मेरी रहनुमाई करते रहे, और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और साथ साथ ये तवक्को रखता हूं कि मुस्तकबिल में माजी की तरह इनकी शफकतें, इनकी मेहरबानियां हमेशा मेरे साथ रहेंगी। 10 दिन के इस लेक्चर के दौरान आपको अगर अच्छी बातें नजर आई मौला की तारीफ में, तो सबसे पहले वो हाजिर इमाम की मिल्कियत है, वो इमाम का माल है, इमाम की नवाजिश है, आप उसे इमाम की तरफ से कबूल फरमाइएगा, और उसके बाद ये मेरे उस्तादों की मेहरबानियां हैं, आप उनकी तरफ से अच्छी बातें कबूल फरमाइएगा, और जहां आपको कमियां नजर आई, जहां कोताहियां नजर आई, जहां खामियां नजर आई, तो वो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, वो मेरा अपना सरमाया है, वो आप मेरी तरफ से समझ के उसको फेंक दीजिएगा, और इन गुस्ताखियों को आप दरगुजर करिएगा। इस सिलसिले में आप जमात ने जो हमारी हौसला अफजाई करने में ताउन किया है, वाकई नाकाबिल फरामोश है। जमात के मुख्य कामड़े साहिबान और आप सब, माजरत के साथ मैं एक बहुत अच्छी शख्सियत, अच्छे मेहरबान को भूल गया, वजीर शेर अली अलीदीना, जो तजुर्बाकार और इल्म परवर और इल्म दस्त दोस्त होने की वजह से इल्म के मैदान में हमारी हमेशा रहनुमाई फरमाते रहते हैं, और जो भी इल्म की बातें हमारे बारे में नजर आती है तो वो लेके हम तक पहुंचाते हैं, मैं उनका भी इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब जमात का बहुत बहुत शुक्रिया, और लेक्चर के बाद आप थोड़ी देर बैठिएगा, पहले बात तो ये कि कमेटी की जानिब से आपका शुक्रिया अदा किया जाएगा, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज जमात के मुखी साहब हमारे दरमियान मौजूद है, और हमें तवक्को है कि मुखी साहब भी आपसे मुखातिब होंगे, तो बराए मेहरबानी आप खामोशी से बैठिएगा, अपने तकरीर के दौरान जो कोताहियां और जो खामियां मुझसे हुई है इसके लिए आपसे माजरत चाहता हूं। या अली मदर। गाली